नेता मुझे बना दो भैया, डूब रही भारत की नैया। है मेरी जीत से बढ़कर तो तेरी हार की कीमत आए हाय। और मुझे तो रूस और अमेरिका वालों को बताना है कि मैं बिना दौलत के भी चांद को चूम सकता हूँ। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जैसे ही नौ बजते आप खुद ही चिल्ला उठते हैं, शैलेश लोढ़ा आ गए हैं कहने के लिए, शैलो प्रेजेंट वाह भाई भाई कमाल है। कई लोग बड़ा मासूम होते हैं और मासूम होना भी चाहिए। एक महिला इतनी मासूम, बेचारी रोज वजन करने वाली मशीन पे अपना वजन करती थी और रोज बड़ी खुश होती थी, 68 किलो 68 किलो 68 किलो। एक दिन चश्मा लगा के चढ़ी, 88 किलो। तो इतनी मासूम के चश्मा उतार के बोली, हाय राम, 20 किलो का चश्मा। और कुछ लोग इतने निगाहों से, मैं कोई शब्द नहीं लेना चाहता, ऐसे होते हैं रमेश मुस्कान, कि ऐसा कोई आदमी नदी के किनारे खड़ा हो गया तो मछली बाहर निकल के बोली, घर में माँ बहन नहीं है क्या भाई? ये अलग अलग कहानियां एक इस छोर पे है, एक इस छोर पर है, लेकिन हमारी ये कवि सब एक ही छोर पर है। और वो छोर ये है कि प्रेम जिंदा रहना चाहिए, मोहब्बत जिंदा रहनी चाहिए, एकता जिंदा रहनी चाहिए और खुशियां जिंदा रहनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं वाह भाई वाह। तो भाई ये तीन लोग हमारे सामने बैठे हैं और मुझे बड़ी खुशी है, उनमें से दो लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ वर्ष पहले टेलीविजन पे जब हमने पहली बार प्रस्तुत किया तो मैंने इस आशा और विश्वास के साथ प्रस्तुत किया था कि वो सारे देश में अपना नाम करेंगे, और ऐसा हुआ नहीं। मुझे बहुत विश्वास था कि देश दुनिया में नाम कर, नहीं हुआ। मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि इन्होंने मेरे विश्वास को तोड़ा। बहुत आशाओं के साथ मैंने कहा था कि आज मैं बुला रहा हूं रमेश मुस्कान को, आज मैं बुला रहा हूं सौरभ चातक को, जो देश और दुनिया में अपना नाम करेंगे, लेकिन इन्होंने मुझे गलत साबित किया। इन्होंने देश में नहीं लेकिन दुनिया भर में अपना नाम किया। हम स्वागत करते हैं रमेश मुस्कान और सौरभ चातक का, और दोनों ही मन में जानते हैं कि सर झूठ बोल रहे हैं, हमने दुनिया में कोई नाम नहीं किया है। लेकिन देखिए ये तो मजाक की बात है। ऑन द लाइटर साइड, रमेश मुस्कान आगरा से हमारे बीच में आते हैं और हास्य के अद्भुत कवि हैं। सौरभ चातक, जिनके पिता स्वयं एक बहुत बड़े संचालक रहे एक जमाने में, रमेश गुप्ता चातक, जो महाकाल की नजरी उज्जैन से हमारे बीच में आते हैं। हम आप दोनों का ही स्वागत करते हैं एक बार इस मंच पे। और उनके बीच में एक ऐसा शायर है जिसके शेर सुन के आप न केवल आनंदित होंगे बल्कि सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे, जिनके शेर मैं खुद पसंद करता हूँ। उनका नाम है अबरार काशिफ, जो हमारे बीच अमरावती से आते हैं। हम स्वागत करते हैं अबरार काशिफ। मैं अपने तारुफ में एक शेर करना चाहता हूँ। मतलब इनको मेरा किया हुआ तारुफ पसंद नहीं आया, आदमी खुद का तारुफ खुद करेगा। शैलेश भाई का तारुफ अपनी जगह, सर आंखों पर जी। अपने तारुफ में एक शेर के, जब आसमां पे सितारों के दीप जलते हैं, जब आसमां पे सितारों के दीप जलते हैं, गजल के शेर मुझे ढूंढने निकलते हैं। हाय हाय क्या बात है, वाह ये आत्मविश्वास है, गजल के शेर मुझे ढूंढने निकलते हैं। और पास में रमेश मुस्कान है आगरा वाला, मतलब ये कॉन्फिडेंस भी कमाल का है, जब आसमां के सितारों के दीप जलते हैं। अब रमेश मुस्कान में पहला मिसरा वही है लेकिन इसकी सच्चाई दूसरी है, जब आसमां पे सितारों के दीप जलते हैं तब कोतवाली के सिपाही मुझे ढूंढने निकलते हैं। दो चीजें इंसान में ऐसी होती है जो, एक तो देखो इंसान की आदत होती है कि किसी भी दूसरे के पास कोई चीज हो ना तो हमें अच्छा नहीं लगता, कोई भी चीज किसी के पास हो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन दो ही चीजें ऐसी है जो किसी के पास हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, एक तो बढ़ा हुआ पेट और एक सर पे बाल कम। और रमेश के पास दोनों ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, पेट भी बड़ा है और सर तो कई वर्षों से झड़ा है, बाल है ही नहीं वहां पे। पहले जी बालों की बात तो ऐसी है जी कि टीवी के जब सबसे पहले कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया था जी तो सर पे घने बाल थे, घने बाल थे। हाँ।
हरकतों में कोई अंतर नहीं आया। नहीं नहीं, वो तो तुम्हारे गाल देख के भी लग रहा है। केवल बालों में अंतर आया जी, और ये झड़ गए। इसके लिए मैंने काफी कोशिश की। हाँ। तमाम तरह के जड़ी बूटी वाले तेल लगाए बहुत दिनों तक। बाल तो हो गए नहीं, सिर पर जड़ी बूटी उगी आई। तो ऐसे कमाल के रमेश मुस्कान में चाहता हूँ महफिल की दमदार शुरुआत करें। तो भैया तैयार है हिंदुस्तान, आ जाओ रमेश मुस्कान। नमस्कार शैलेश जी, मैं अमेरिका गया कविताएं सुनाने के लिए। 15-16 घंटे की फ्लाइट है दिल्ली से। बराबर की सीट पे एक सज्जन बैठे हुए थे, परिचय हुआ, मुझसे पूछा। मैंने कहा जी मैं कवि हूँ, कविताएं सुनाने जा रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हैं, बोला मेरा वहाँ व्यापार है, कुछ पैसा फंसा हुआ है, उसे निकालने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद बोर होने लगे तो बोले कवि जी कोई कविता बविता सुनाइए। कविता बविता? हाँ, जैसे ही उन्होंने कविता के साथ बविता जोड़ा मैं समझ गया कविता में कितना जानते होंगे। मैंने कहा सेठ जी रहने दीजिए, आपका कविता से क्या लेना देना। तो जिद करने लगे तो मैंने ट्रक से चुराया हुआ एक शेर उन्हें सुना दिया कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। तो वो रोने लग गए। रोने लग गए? हाँ। अच्छा। मैंने कहा शायद ज्यादा चोट खाए हुए हैं। हाँ। हो सकता है जीएसटी के पिटे पिटाए हों। हाँ। 2-3 घंटे की नींद उन्होंने निकाली, 2-3 घंटे की मैंने निकाली। अचानक कंधा झकझोर के उन्होंने मुझे उठाया, बोले कवि जी ये बताओ बाद में वो कश्ती निकली या नहीं निकली। तब से मैंने कहा शेर वेर लिखना नहीं है, शेर अपने से हो नहीं पाएगा, तो मैं छोटी छोटी कविताएं लिखता हूँ जी। राजनीति में आप देखते ही हैं, सब लोग जानते हैं इस बात को कि गधे को भी बाप बनाया जाता है। हाँ। तो गधे ने सोचा कि जब इतना मेरा मुझे बाप बनाया जा रहा है तो मैं खुद क्यों ना ट्राई करूं। अच्छा। हाँ, उस पर एक संवाद शैली में कविता है, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। कि रात गधा सपने में आया, रात गधा सपने में आया, उसने मुझसे यूं फरमाया, नेता मुझे बना दो भैया, डूब रही भारत की नैया। लोकतंत्र घायल है अपना, लोकतंत्र घायल है अपना, टूट रहा गांधी का सपना, सपने सारे सच कर दूंगा, खुशियों से झोली भर दूंगा। मैंने कहा बताओ प्रियवर, नेता कैसे तुम्हें बनाऊं, और तुम्हारी क्या है खूबी, जनता को कैसे समझाऊं। बोला ढेंचू सुन लो प्यारे। अच्छा। बोला ढेंचू सुन लो प्यारे, अपने में वो गुण है सारे, जिनसे राजकाज चलता है, देश चले या ना चल पाए, लेकिन नेता तो चलता है। क्या बात है। अब वो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि बता रहा है। पारिवारिक पृष्ठभूमि। हाँ। कि घोर गरीबी में रोता था, तस्कर का सोना ढोता था, एक दिन भाग्य हमारा जागा, खेप आखरी लेकर भागा, तब से धन की कमी नहीं है, आसमान में उड़ता रहता, पैरों नीचे जमी नहीं है। तो धन के बलबूते ही तुमने कई गधे पहले जितवाए, रो करते थे डग्गे मारी, या करते थे ताता थैया, देकर वोट कीमती अपना पार लगा दी उनकी नैया। तो मुझ पर कृपा करो मतदाता, भले मुझे कुछ भी ना आता, लेकिन इतना तो आता है कैसे चुनाव जीता जाता है। अब वो वादे बता रहा है। वादे। कि देश विदेशों तक जाऊंगा, देश विदेशों तक जाऊंगा, जो मांगोगे बुलाऊंगा, काले धन की बातें छोड़ो, स्विस बैंक ही ढोलाऊंगा। एक बार मौका दो भाई, सबको टीप टॉप कर दूंगा। हाँ। सबको टीप टॉप कर दूंगा, घर घर लैपटॉप भर दूंगा। हाँ। एक बार मौका दो भाई, फ्री मिलेगा वाई फाई। उसकी रणनीति क्या है? हाँ। कि जब चुनाव के समय सभी के अस्त्र शस्त्र होंगे सरकारी, जमा करा लिए जाते हैं। हाँ, सही बात। कि जब चुनाव के समय सभी के अस्त्र शस्त्र होंगे सरकारी, हथियारों का बंद प्रदर्शन भी करवा देंगे अधिकारी, तब ये मेरी ठोस दुलत्ती सबको आतंकित कर देगी, मेरी गधी 7 मित्रों के मत पेटी पूरी भर देगी। तो मेरे बच्चों की महतारी, विदेश नीति, मेरे बच्चों की महतारी, सारी थकन उड़ावन हारी, यानी मेरी प्रिय गधैया, उसके हैं बहुत तेरे भैया, देश विदेशों में फैले हैं, अपने सब चमचे चेले हैं। क्या बात। जितनी होंगी डील विदेशी, उनको वो उलझाई लेंगे, और कमीशन कितना होगा इसको वो सुलझाई लेंगे।
नेता सब कुछ खा जाते हैं, मैं केवल चारा खाऊंगा, मेरी गदी मिनिस्टर होगी, मैं भी सीएम हो जाऊंगा। नित प्रति बोझा ही ढोता हूँ, भारत देश का ढो सकता हूँ, कर्मठ शील जुझारू, हरदम नेता अच्छा हो सकता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। देखिए ये है सटायर, ये है तंज, ये है व्यंग्य। कितनी तमीज से बात कह देना, बिना गाली दिए अपनी बात कह देना, ये बहुत बड़ी ताकत है, ये व्यंग की ताकत है। और ये बिल्कुल सही बात है, जब देश की राजनीतिक स्तर को इस कदर गिरा दिया गया हो तब कलमवार क्या करे, उसे लिखना ही पड़ता है। और रमेश तुमने बहुत बढ़िया लिखा, लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे एक बड़ी पुरानी बात है लेकिन बात बड़ी कमाल की है, किसी ने कह दिया कि भाई ये जो ये तो गधे हैं, तो गधे ने कहा आप हमारा अपमान मत कीजिए। गधे का क्या मतलब, गधा कोई गाली के रूप में प्रयोग होना चाहिए क्या? गधा सबसे बढ़िया जानवर है, सबसे बढ़िया, सर झुका के चलता है, कभी कुछ नहीं बोलता है, जो खिला दो खा लेता है, जिधर घुमा दो घूम जाता है, वापस घर भी लौट आता है, और उसे कहो कि तू गधा है तो मान लेता है कि वो गधा है। किसी आदमी को कहो कि तू गधा है, लेकिन ये गलत है कि हम किसी को गाली के रूप में गधा कहें, लेकिन आदमी के भेष में जो गधे घूम रहे हैं उन्हें आदमी तो ना कहें। भाषा का अगर इस्तेमाल नहीं ठीक ढंग से आता हो तो कोई इसमें गलती नहीं है, लेकिन इसे सीखना तो चाहिए। कई लोग ऐसे मिलते हैं, एक शायरी सुनाओ साहब, मैंने एक शायरी लिखी है। शायरी, एक शायरी सुनाओ नहीं होता, शायरी की जाती है, शेर सुनाया जाता है, अशार होते हैं, और सबसे बड़ी बात शायरी की भी नहीं जाती, महसूस की जाती है। जब रूह कुछ महसूस करती है तो वो अल्फाज शेर बन के निकलते हैं, और ऐसे एक शायर हमारे बीच में है, अबरार काशिफ, जो इन दोनों बड़ी तेजी से अपना नाम किए हैं, इनकी गजलें और नज्में लोग सुन के झूम उठते हैं। तो भाई आप और मैं इस बात से क्यों वंचित रहे, जब अबरार काशिफ बीच में हो तो उन्हें आना चाहिए और कुछ ऐसा सुनाना चाहिए कि हम कहें वाह भाई वाह। आइए अबरार ने, अरे वाह भाई सबसे पहले शैलेश भाई और आप सबकी खिदमत में अबरार काशिफ का प्यार, एहतराम और सलाम। बाहर इस कदर नशीला मौसम हो रहा है शैलेश भाई जी, जाहिर सी बात है कि वाह भाई वाह की इस महफिल में भी नशीली शायरी और रोमांटिक शायरी और बारिशों से भीगी हुई शायरी की जाए जी। मंजिलों का कौन जाने, रह गुजर अच्छी नहीं, आहा। उसकी आंखें खूबसूरत है, नजर अच्छी नहीं। आए हाए, आए हाए, वाह वाह, मुंबई, बहुत शुक्रिया शैलेश भाई, बहुत शुक्रिया। मंजिलों का कौन जाने, रह गुजर अच्छी नहीं, उसकी आंखें खूबसूरत है, उसकी आंखें खूबसूरत है, नजर अच्छी नहीं। अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, किसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी मेरी। वाह वाह, फिर आंखों पर शेर सुनाता हूँ, वाह भाई वाह के तमाम दर्शकों को सुनिएगा कि दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या, बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी, बेनतीजा, बेनतीजा का मतलब खुद समझते हैं लोग, दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या, बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या, मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या, मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या। मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं। क्या बात है, वाह, मेरा अरमान मेरी ख्वाहिश नहीं, वाह वाह, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं थी। शाम की रंगीनियां और शब सुहानी याद है, शाम की रंगीनियां और शब सुहानी याद है, सब हकीकत भूल बैठा एक कहानी याद है, आंसुओं से मैं बनाता हूँ तेरी तस्वीर, अब मेरी आंखों को तेरा चेहरा जबानी याद है, आंसुओं से मैं बनाता हूँ तेरी तस्वीर, आंखों को तेरा चेहरा जबानी याद है, भाई वाह वाह वाह। शाम की रंगीनियां और शब सुहानी याद है, शब रात,
सब हकीकत भूल बैठा एक कहानी याद है, आंसुओं से मैं बनाता हूँ तेरी तस्वीर अब, मेरी आंखों को तेरा चेहरा जबानी याद है। आप शायर हैं तो फिर इल्हाम होना चाहिए, इल्हाम आमद, अभी आमद आपने इस्तेमाल किया जिस लफ्ज का, जो ऊपर से खुदा आप शायर हैं तो फिर इल्हाम होना चाहिए। हाँ मगर लहजे पे थोड़ा काम होना चाहिए, और जिंदगी में कामयाबी का नशा अपनी जगह, आदमी को इश्क में नाकाम होना चाहिए। जिंदगी में कामयाबी का नशा अपनी जगह, क्या बात है। इश्क ही इश्क हूँ वहशत है घराना मेरा, इश्क ही इश्क हूँ वहशत है घराना मेरा, एक जमाने से है सहरा में ठिकाना मेरा, लड़कियां थी कि मेरे नाम पे लड़ पड़ती थी, तुमने देखा नहीं कॉलेज का जमाना। शैलेश भाई आपकी इजाजत हो तो एक खूबसूरत नज़्म पेश करता हूँ, या महबूबा के नाम कि तू अपनी चिट्ठियों में मीर के अशार लिखती है, मोहब्बत के बिना है जिंदगी बेकार लिखती है, तेरे खत्तो इबारत हैं वफादारी की कस्मों से, जिन्हें मैं पढ़ते डरता हूँ वही हर बार लिखती है, तेरे खत्तो इबारत है वफादारी की कस्मों से, जिन्हें मैं पढ़ते डरता हूँ वही हर बार लिखती है, तू पैरोकार लैला की है शीरें की पुजारन है, मगर तू जिस पे बैठी है वो सोने का सिंहासन है, तेरी पलकों के मस्कारे तेरे होठों की ये लाली, ये तेरे रेशमी कपड़े ये तेरे कान की बाली, गले का ये चमकता हार हाथों के तेरे कंगन, ये सब के सब है मेरे दिल मेरे एहसास के दुश्मन, इनके सामने कुछ भी नहीं है प्यार की कीमत, वफा का मोल क्या, क्या है इतबार की कीमत, शिकस्ता कश्तियों टूटी हुई पतवार की कीमत, है मेरी जीत से बढ़कर तो तेरी हार की कीमत। आए हाय, हकीकत हकीकत खून के आंसू तुझे रुलवाएगी जाना, तू अपने फैसले पर बाद में पछताएगी जाना, मेरे कंधे पे छोटे भाइयों की जिम्मेदारी है, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं बहन भी तो कंवारी है, बढ़े ना मौसमों के वार को तू सह ना पाएगी, हवेली छोड़कर एक झोंपड़े में रह ना पाएगी, अमीरी अमीरी तेरी मेरी मुफलिसी को छल नहीं सकती, तू नंगे पाँव तो कालीन पर भी चल नहीं सकती। क्या बात है, मैं कहना चाहूंगा यह है शब्द की ताकत या अल्फाज की ताकत, जिस ढंग से आप कहते हैं मैं आपके लिए कहना चाहता हूं वाह भाई वाह, क्या बात है। अबरार काशिफ मुझे बड़े प्रिय हैं, और जब मुझे प्रिय है तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पे सारे हिंदुस्तान को प्रिय, इनकी नज़में और गज़लें सुन के मैं बड़ा मुतासर होता हूं। दोस्तों कई लोग सवाल का जवाब इतनी गंभीरता से मुंह बना के देते हैं जैसे बहुत बड़ी बात कर रहे हो। जैसे एक मोहल्ले में चोरी हुई तो सबसे पूछा कि भाई ये चोरी किसने की होगी, एक आदमी काफी देर तक वहां देखता रहा, मुझे काम किसी चोर का लगता है। जैसे मैं अभी कहूं कि मुझे किसको बुलाना है, आप कहेंगे कि भाई किसे बुलाना है, तय है कि तीन में से जब दो लोग पढ़ चुके हैं तो तीसरे को ही आना है। सौरभ चातक चले आओ। सबको प्रणाम। हास्य के तीन कटपिस से आपकी बात शुरू करता हूं। ठीक है। एक प्रेमी ने प्रेमिका से प्रेम प्रदर्शित करते हुए गर्मी के दिनों में ठंडी ठंडी आहें भरते हुए कहा, जानम अपना चंद्रमुखी मुखड़ा मेरी ओर तो करो, जरा अपना ध्यान मेरी तरफ तो धरो। प्रेमिका ने सकुचाते हुए थोड़ा सा शर्माते हुए पूछा, क्यों? प्रेमी बोला, तेरे हुस्न का खुमार ही कुछ ऐसा है कि मैं बिना पिए ही नशे में झूम सकता हूँ, और मुझे तो रूस और अमेरिका वालों को बताना है कि मैं बिना दौलत के भी चांद को चूम सकता हूँ। दो सहेलियां आपस में कर रही थी अटखेलियां। अच्छा। दो सहेलियां आपस में कर रही थी अटखेलियां, तभी एक बोली जो बड़ी थी भोली, उसने कहा, देख मैं ऐसे लड़के से बिल्कुल भी शादी नहीं रचाऊंगी जो रात में खराटे भरता हो, भले करोड़ों का व्यापार करता हो। तभी दूसरी वाली चुपचाप सोचती रही, उसने कहा, बोले माना कि रात में खर्राटे भरने वाले लड़के के साथ तू शादी नहीं रचाएगी, लेकिन पगली एक साल तक तो तुझे खर्राटे की आवाज ही नहीं आएगी। भाई बड़ा बारीक मामला है। एक व्यक्ति लाइब्रेरी में आया, लाइब्रेरियन से धीरे से फरमाया,
कोई आसान आत्महत्या करने वाली पुस्तक दीजिए। अच्छा। कृपया मेरी मदद कीजिए। अच्छा। ये सुनते ही लाइब्रेरी ने पहले तो उसे घूरा, फिर कहा मेरी क्षमता का निवारण कर तू पूरा, मुझे पता नहीं तू मर के स्वर्ग में जाएगा या नर्क में जाएगा, परंतु ये बता किताब लौटाने का तेरा काका जी आएगा। भाई जेन्युइन सवाल है, आत्महत्या करके किताब कौन लौटाएगा भाई? वाह वाह, बहुत बढ़िया सौरभ। एक आदमी पूर्ण व्यवस्थित हुआ, यानी मर के यमराज जी के सामने उपस्थित हुआ। यमराज जी ने पहले तो देखा उसका हिसाब, फिर देखी नियम की किताब, फिर उससे कहा अगर तुझे स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग में भी नरक का आनंद लेना होगा, और धरती पे तूने जिसके साथ साथ फेरे लिए उसी के साथ रहना होगा। अच्छा। तभी आदमी बोला आपका बड़ा अजीब है कायदा, अगर यहाँ पे भी उसके साथ रहना है तो मरने का क्या फायदा। बात कर रहे थे लेकिन हम आपके फायदे की बात करेंगे। हमारे आपके लिए फायदे की बात यह है कि हम जो सेगमेंट आपको दिखा रहे हैं बड़ा कमाल का, कहानी थोड़ी इल्मी, आप पता है सेगमेंट को बड़ा प्यार करते हैं, आप जानते हैं एक फिल्म का दृश्य दिखाएंगे, आवाज नहीं सुनाएंगे, और उस दृश्य को देख के आपके दिमाग में क्या आता है जरा बताइए। हाँ, परीक्षाएं कवियों और शायरों की देखते हैं जरा, कहानी थोड़ी इल्मी। प्रेमनाथ साहब है, चेकिंग कर रहे हैं। अरे इसमें से तो कौवा निकला है। नई ऋतों में पुरानी नहीं मिलाते हैं। अच्छा। नई ऋतों में पुरानी नहीं मिलाते हैं, कहानियों में कहानी नहीं मिलाते हैं, हवस को दूर रखो इश्क की निगाहों से कि इस शराब में पानी नहीं मिलाते। हाय हाय, वाह वाह, क्या बात। अब देखिए पूरे दृश्य में वो इतनी सी बोतल थी, लेकिन उस बोतल से क्या शेर याद आया आपको? पौवे के पास से पौवा निकला। भाई ऐसी महफिल से कौन जाना चाहेगा जहाँ इतनी हंसी हो, खुशी हो, मोहब्बत हो, लेकिन क्या करें, वक्त का अपना तकाजा है, जाना इसलिए क्योंकि हमें लौट के आना है, लौट के हम आएंगे और आपके लिए इतनी सारी ढेर सारी बातें, चीजें और शायरी और कविताएं लेके आएंगे कि आप क्या उठेंगे, वाह भाई वाह। जिंदगी में जैसे हैं वैसे बने रहिए, और इस खूबसूरत जिंदगी के लिए कहते रहिए वाह भाई वाह।